तो ये फ्लेक्स कैसे बनेगी? जैसा कि आपको पता, जश्न ईद मिलादुन्नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक आ रही है, स्टेटस लगाते हैं और उसके अलावा फेसबुक पर अपलोड करते हैं। दिस इज मी स्टाइलो मलक स्टाइलो 06। तो आपको अपने चैनल स्टाइलो 06 में कम ऑन कहते हैं। तो भाईजान, आपको फ्लेक्स के बारे में बताने लगा हूँ कि आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल में फ्लेक्स कैसे बना सकते हैं, ये पॉसिबल है। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जो है ना देखते रहे, ताकि आपको समझ लग जाए कि क्या क्या करना है। तो भाईजान, इसके लिए आपको कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना पड़ना, जो आपने अपने पास रखा हुआ है ना कैपकट वीडियो के लिए, वहां से फ्लेक्स बनाना जो है ना आपको सिखाता हूँ। तो चलते हैं वीडियो की जाना मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको बताते हैं। तो भाई जान, आपने सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आप अपनी पिक का जो है ना बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करेंगे और उसके बाद कैपकट पर आपको बताऊंगा कैसे करनी है, ठीक है। तो आपने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, ऊपर सर्च बार में आपने लिखना है remove.bg, ठीक है। मैं आपको इधर लिख कर बता देता हूँ, remove.bg मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ आ गया है। तो उसके बाद आपने सर्च के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और उसके बाद आपने अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने वो इमेज सेलेक्ट कर लेनी है जो आप अपनी फ्लेक्स पर लगाना चाहते हैं। तो मैं अपनी ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपने डन करना है और ये देखें, इसका बैकग्राउंड रिमूव होकर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिमूव हो रहा है अभी, तो ये रिमूव होकर हमारे पास आने वाला, हाँ आ गया। तो उसके बाद आपने डाउनलोड पर क्लिक करना है और ये आपकी गैलरी में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने इसको फिर नीचे करना है, अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से एक और पिक सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे आप किसी और के लगाना चाहते हैं साथ में, तो उसका भी बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव कर लेना है। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ, तो ये देखें, ये अभी मेरी भाई की पिक है, तो मैं इसको डन कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका भी बैकग्राउंड रिमूव होके मेरे पास आ जाएगा। तो जितनी भी आप पिक लगानी होगी, यहाँ से आपने वो बैकग्राउंड रिमूव करके डाउनलोड कर लेना है। तो ये देखें, इसका भी बैकग्राउंड रिमूव होके आ चुका है। तो डाउनलोड के ऊपर आपने क्लिक करना है और ऐसे ही आपने जो है ना अपनी पिक वगैरह जोन सी भी 5 लगानी है, 6 जितनी भी लगानी है, सबका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है बारी बारी, ठीक है। उसके बाद आपने फिर सर्च के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लिख दे जश्न ईद मिलादुन्नबी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ आप फेसबुक से भी ले सकते हैं, जश्न मिलादत, ठीक है, कर दें। तो मैं सर्च कर देता हूँ, आप फेसबुक पर भी सर्च करके यहाँ से पिक ले सकते हैं। उसके बाद इमेज पर क्लिक करना है, तो आपने अपनी मर्ज़ी का यहाँ से बैकग्राउंड जो है ना चूज़ कर लेना, जश्न ईद मिलादुन्नबी का कोई सा भी, तो मैं ये चूज़ कर लेता हूँ, ये ठीक है। उसके बाद आपने इसको क्लिक कर ही रखना है और डाउनलोड इमेज पे क्लिक करना है और ये अगेन पे क्लिक करना है और ये आपकी गैलरी में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने फुल बैक जाना है और उसके बाद आपने आ जाना है कैपकट पर, उसके बाद आपने न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और फोटो पे क्लिक करना है और जो आपने फ्लेक्स वगैरह जो है ना डाउनलोड की है ना, इमेजेस क्लिक की है उधर से क्रोम से, वो आपने यहाँ से ऐड कर लेने, ठीक है। मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, ये पिक आपकी ऐड हो चुकी है। उसके बाद आपने नीचे से स्वाइप करना है, फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करना है और 16:9 के ऊपर क्लिक कर देना है और इसको पकड़ के थोड़ा सा ऐसे बढ़ के सेट कर देना है, बड़ा कर, ठीक है। उसके बाद आपने फिर ओवरले पे क्लिक करना है, ऐड ओवरले पे क्लिक करना है और जिसका जो है ना बैकग्राउंड रिमूव किया है वो यहाँ से ऐड कर लेनी है, पहले ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, ऐड होगी। उसके बाद आपने स्वाइप करना है, स्वाइप करने के बाद आपने मास्क के ऊपर क्लिक करना है और पहले वाले ही पे क्लिक करना है स्प्लिट पे और यहाँ से यहाँ तक कर ले जितना आपको अच्छा लगे और ये नीचे एडो के ऊपर क्लिक करना है, ऐसे कर देना, ठीक है। उसके बाद टिक लगाना है और इसे ऐसे करके बड़ा कर देना, ठीक है, जितने ही आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद आपने फिर एडो वाले पे क्लिक करना है, तो ये दूसरी पिक है तो इसको भी ऐड कर लेते हैं और उसके बाद इसको भी आपने मास्क करना है, स्वाइप करके मास्क पर क्लिक करना है, स्प्लिट करना है और इसको भी इधर से ला के ब्राइटनेस को ऐसे कर देना, ठीक है। तो फिर आपने क्लिक करना है, तो मैं ये कर देता हूँ, इसकी जो ना साइड चेंज कर देता हूँ, वो उधर को मेरा भाई देख रहा है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और वो स्वाइप करता हूँ और आप यहाँ से अपना एडिट पे क्लिक करें मिरर पे और ये देखिए ये आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, उसके बाद आपने जाना है बैक फुल बैक और स्वाइप करना है और टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना नाम लिख लेना है। तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ अपना नाम अली हमज़ा, ठीक है, अली हमज़ा मैंने लिख लिया। उसके बाद अपने स्टाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से आप अपना जो है ना कर सकते हैं, ये देखिए येलो कलर का हो गया, यहाँ से आप कौन सा भी कलर सेलेक्ट करना चाहिए कर सकते हैं। उसके बाद अपने फ़ोन पे क्लिक करना है और यहाँ से अपने फ़ोन अपनी मर्ज़ी का लगा लेना, ठीक है। तो मैं इसे बोल्ड वाला लगा लेता हूँ, उसके बाद आपने इसे छोटा कर देना, अपने हिसाब से सेट कर देना, ये अपनी तस्वीर के नीचे अली हमज़ा आ गया, ठीक है। तस्वीर को थोड़ा इधर कर लेते हैं, अपने हिसाब से आपने कर लेना, ठीक है। इस तरह से आपने इसको उठा कर ये आ गया और यहाँ आ गया,
जश्न-ए-मिलाद-उन-नबी भी इस साइड पे हो जाए। और अली अगेन टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और अली हमजा का थोड़ा सा इसके नीचे कर दे, ठीक है। फिर अली हमजा के ऊपर क्लिक करें और ए स्टाइल के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप आ जाएं स्टाइल पे और यहाँ से आपने कन्वेस के ऊपर क्लिक करना है और इसका बैकग्राउंड आपने कर देना है वाइट कलर का या ब्लैक कलर का, जो सा भी करना चाहे। तो ये देखिए ब्लैक बैग में आ गया। उसके बाद इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, कॉपी करना है, एड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जोन सा भी साथ का निकल, जैसे मेरा भाई है एहसन मलक तो मैं ये लिख देता हूँ, तो एहसन मलक, ठीक है, तो मैंने लिख दिया। उसके बाद आपने टिक के ऊपर क्लिक करना है और इसको आपने स्वाइप करके यहाँ से कर देना, ठीक है। कलर आप चेंज करना चाहें, जोन सा मर्जी लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो फ्लैक्स आपकी तैयार हो चुकी है, तो एक मिनट मैं इस ओवरले पे क्लिक करके अगेन पिक को नीचे कर देता हूँ क्योंकि एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया, आपने जैसे एक जैसी ही रखनी है। तो टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और ये अली हमजा, दो अली हमजा हो गए भाई, काफ़ी ज़्यादा हो गया, एक डिलीट कर देते हैं, एक अली हमजा को नीचे ले आते हैं, इधर अली हमजा, हाँ ये आ गया अली हमजा। इसके बाद आपने ये एडो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपना स्क्रीन शॉट ले लेना है। तो ये देखिए मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया और बाकी आपने क्रॉप वगैरह करके तो आपने पोस्ट कर देनी है अपनी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और उसके अलावा स्टेटस पर ठोक देनी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।